हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम के सिंह है और मैं एक लेक्चरर हूं। और जब हम इस बिज़नेस में आए तो आज अपनी रियल स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जर्नी क्या रही। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये हर एक को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कुछ एक को तो करेगा। और ये स्टोरी जब सुनाई जाती है ना, इसका कारण एक ही होता है, ताकि कोई ऐसा शख्स जो बिज़नेस में आता है वो हमारी स्टोरी से रिलेट कर सके। और सभी की स्टोरी एक जैसी नहीं होती, स्टोरी की खास बात ये होती है। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो उस टाइम मेरी एज हार्डली 27 साल थी। और पीछे से देखें तो वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड जो पहले का अगर देखें तो फैमिली जो थी वो बहुत डिस्टर्ब रही शुरू में, क्योंकि वी लॉस्ट आवर फादर व्हेन आई वाज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की उम्र में। उस टाइम मैं हार्डली 7th क्लास में था और उस टाइम लाइफ का पता नहीं था कि लाइफ जाएगी कहाँ। जो सबसे बड़ी सिस्टर है मेरी, वो उस टाइम 23 साल की थी, किसी की शादी नहीं हुई थी, लाइफ सेटल नहीं हुई थी। एंड गाइस, उसके बाद अगले 4-5 साल मुझे पता कैसे निकले। और 1992 में मैंने कमाना शुरू किया ट्यूशन्स के माध्यम से। इसलिए कमाना शुरू किया ताकि मैं अपनी फीस को दे सकूं। और 1992 में जो क्लासेस में रन करता था वो थे 8th, 9th, and 10th। इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई और साथ साथ ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 1997 आते आते डिग्री पूरी हो चुकी थी और साथ साथ एक मौका मिला जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में मेरी सिलेक्शन हो गई। उस टाइम तो बहुत सारे लोगों के डिसीजन के हिसाब से मेरे को IMA में चले जाना चाहिए था। कारण ये था क्योंकि उस टाइम कमाने का कोई रेगुलर सोर्स हमारे पास तब भी नहीं था। लेकिन तब तक मेरा KK स्कूल ऑफ फिजिक्स में नाम बन चुका था काफ़ी हद तक, और अच्छा खासा नाम बन चुका था। और उस नाम के चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं जॉब नहीं करूँगा। अगर स्टेइंग इन चंडीगढ़, दो मात्र कारण थे मेरे पास। एक तो ये था कि एक मेरे को चंडीगढ़ में रहना, और दूसरा मैं चाहता था कि मैं एटलीस्ट अपने मदर के साथ रह सकूँ, क्योंकि डैड तो है नहीं अब। और उन दो रीजंस करके मैंने KK स्कूल ऑफ फिजिक्स को खोला। कॉमर्शियल जगह ली 1997 20th मार्च को, और एक बहुत ही रिस्की डिसीजन था लेकिन लिया। बहुत मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पढ़ाते थे, 16-16 घंटे पढ़ाते थे। और 1999 के आसपास एक ऐसा समय आया जब ऑलमोस्ट हमारे को KK स्कूल ऑफ फिजिक्स जो है वो छोड़ने की नौबत आ गई थी। कमाल की बात ये, 92 से पढ़ा रहा हूँ, 95 से प्लस टू पढ़ा रहा था, 1999, 4 साल काम करने के बाद ऐसा लगा कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। ये अक्सर हर एक केस में होता है, हमारे बिज़नेस में भी, MBA बिज़नेस में भी। कई बार लोग आते हैं, 3-4 साल अच्छे निकलते हैं उनके, लेकिन अचानक ही लाइफ में जब अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत आते हैं तो उनको सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमने सही डिसीजन लिया, कि हमने गलती तो नहीं कर दी MBA ज्वाइन करके। क्योंकि हम तो आते ही प्लैटिनम हो गए थे, हम तो आते ही आगे बढ़ गए थे, 2 साल हुए, 3 साल के अंदर हम आगे बढ़ गए थे। लेकिन मैं फ्रेंडली आपको बताऊँ, ये बिज़नेस जो होते हैं ना, बिजनेसेस जो होते हैं, ये कभी भी सिंगल डिसीजन नहीं होते, ये सीरीज ऑफ डिसीजन होते हैं। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर एट ऑल, यू हैव टू मेक इट राइट। और वही हमारे साथ हुआ 1999 में। जब भी मौका आया तो उससे हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम टिकेंगे, काम करेंगे। और ये वो एक ऐसा वक्त था, कहते हैं जब सभी सहारे छूट जाते तो बंदा क्या करता है, बंदा जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। तो एक बड़ी फनी स्टोरी है, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया वहाँ पे, और वो बड़े बढ़िया इंसान थे। उन्होंने मेरा चार्ट देखा और चार्ट देख के मेरे को बोला, कहते आपको ना वैसे एजुकेशन में नहीं होना चाहिए था, आपको आर्मी में होना चाहिए था। अगर आप आर्मी में होते, क्योंकि आप कहते ना कि आपका टेबा ये बताता अगर आर्मी में होते काफ़ी ऊपर तक जाते। लेकिन उसको क्या पता था कि मैं IMA की सिलेक्शन छोड़ कर आया हूँ, उसको ये नहीं पता था। मन के अंदर एक डाउट पैदा हो गया, और उस डाउट को लेके मैं अपने स्कूटर के ऊपर बैठा हुआ घर वापस आया। घर कब पहुंच गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक मन में डाउट रहेगा कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं हुआ। और उस दिन रात को जब मैं सो नहीं पाया, सुबह उठा तो एक ही चीज़ डिसाइड किया, अब जो हो गया वो हो गया, अब करना है तो यही करना है, देखी जाएगी। और फिर पूरी मेहनत से दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड, एग्जैक्टली 2 साल के बाद हमारा नाम पूरे चंडीगढ़ में टॉप पर आ चुका था। मैं 90-90 के बैचेस पढ़ा रहा था, हमारी हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन हो रही थी। और उसके बाद दोबारा मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया मिलने के लिए। ही वॉज 90 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। उसने देखा मुझे, पहचानता था मुझे, और उसने फिर दोबारा से मेरा टेवा देखा। फिर पता क्या कहता है, कहता आपका बृहस्पति जो है ना वो 12वें घर में है, जो कि उसका अपना मतलब एक स्थान है, ठीक है ना, और शायद बृहस्पति गुरु ऑफ टीचिंग है तो इसलिए आप सक्सेसफुल हो गए। मैं कह यार तेरे को बृहस्पति पहले नहीं दिखाई दिया था। हाँ, तो ये कई बार पता क्या होता है, हम ऐसे डिसीजन लेते रहते हैं
और जब टॉप पे चले गए हम केके स्कूल ऑफ फिजिक्स में, इसका नाम बन चलता था पूरे चंडीगढ़ में। उस दौरान एक मौका आया जब इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग इस बिज़नेस में कैसे आए, मेरे ब्रदर जो थे वो बिज़नेस में आ चुके थे ऑलरेडी उमाकांत से, और उनके अंदर कुछ चेंजेस देखे हमने, और चेंजेस देख के मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है ना। और उसने किसी एक एसोसिएशन में बुलाया, गेट टुगेदर में बुलाया, उस गेट टुगेदर में गए, वहाँ जाके अच्छा लगा मुझे। आई स्टार्टेड डूइंग दिस बिज़नेस अलोंग विद लीना, लेकिन ऐसा नहीं कि यू इट वॉज द लव एट द फर्स्ट साइट। अच्छा लगा, इसका मतलब ये नहीं था करेंगे। कई लोग आते हैं पूछते हैं मुझसे बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा, लेकिन गारंटी थोड़ा वो करेगा। अच्छा लगने का मतलब करना नहीं होता, अच्छा लगा। मैंने उमाकांत के लिए बिजनेस को करना शुरू कर दिया, मुझे लगा कि यार इसकी गवर्नमेंट जॉब है, इतनी सैलरी नहीं है, चलो इसको कोई सपोर्ट हो जाएगी। उन दिनों ना जब बिजनेस प्लान दिखाते तो एक चीज़ दिखाते थे कि जब आप DD वर्ड यूज़ करते थे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, कि जब आप DD बन जाएंगे तो आपको आपके अपलाइन को 4% जो कि 16,000 होता था वो आएगा। तो मैंने कहा यार अगर मैं DD बन जाऊँ तो तेरे को 16,000 आएगा? कहते हाँ। मैं कहता चल तेरा एक DD तो पक्का हो गया, मैं तो जाऊँगा, और मैंने उसके लिए शुरू किया। लेकिन अगेन बात वहीं आती है ना, जब आप किसी के लिए शुरू करते ना तो शायद उतने दम से काम नहीं करते। जब इस बिज़नेस को मैंने अपने लिए करना शुरू किया, और ये अपने लिए कैसे डिसीजन हुआ अपने लिए करने का, पता है अपने लिए डिसीजन होता है सीरीज ऑफ डिसीजन के थ्रू। कई बार आप ऐसी परेशानियों से गुजरते हैं और उन परेशानियों के दौरान आपको लगता है कि आपको एक और कुआं खोदना चाहिए, दिस इनकम इज़ नॉट सफिशेंट, या ये रास्ता अकेला बहुत नहीं है। तो उसके बाद हमने जब इस बिज़नेस को शुरू किया तो उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई, मुझे लगा कि नहीं इसको हमें बिल्ड करना चाहिए, राइट। और उस दौरान जब हम बिज़नेस बिल्ड कर रहे थे, वी वेंट सिल्वर इन जस्ट 11 मंथ, और सिल्वर पिन पे हम 2 साल अटके रहे। ग्रुप बनता रहा, टूटता रहा, चलता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, लोग आते रहे जाते रहे, और इस बिज़नेस में हमारे को लगभग 3 साल हो चुके थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। पहली बात तो बिज़नेस के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुबह 5:30 बजे तो क्लासेस शुरू हो जाती थी, और लगातार पढ़ाना 15-15, 16-16 घंटे क्रैश बैचेस के दौरान, रेगुलर दिनों में 8-10 घंटे और क्रैश बैचेस के दौरान 16-16 घंटे समय निकालना बड़ा मुश्किल था। रात को 9 से 11 बिजनेस करते थे, फिर लगता था कर क्यों रहे हैं ऐसे। और फिर एक फ़नी स्टोरी हमारे साथ हुई, हम लोग कहीं गए हुए थे, उसने एक फार्मिस थे, उन्होंने मेरा हाथ देखा, पता नहीं हाथ में क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन पता क्या बोलते हैं, नहीं आपकी विदेश यात्रा तो लिखी नहीं हुई है। अब सोचिए ज़रा, उसने छोटी सी लाइन बोल दी लेकिन मेरे लिए कितनी बड़ी लाइन थी। पता है क्यों विदेश यात्रा ना लिखा होना इसका मतलब पता क्या था, क्योंकि आपको पता है एमबीए में जब सक्सेसफुल होते हैं तो आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। अब वो विदेश यात्रा लिखी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम शायद एमबीए में सक्सेसफुल नहीं होंगे, दैट्स वेरी सिंपल। और ये इनडायरेक्ट था। और उसके बाद जब मैं उस रात को आया, देखो जब किसी चीज़ को शिद्दत से कर रहे होते ना उस दौरान ये आप लूजिंग वर्ड ना सुनना नहीं चाहते। और जब वापस आए तो वहाँ पर वापस आने के बाद तक क्या देखा मैंने, मैंने ये देखा यार पता नहीं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक ही चीज़ डिसाइड की, वो पुरानी स्टोरी दोबारा रिपीट की, अब जो होगा देखा जाएगा, टिका के काम करेंगे। एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद हम प्लेटिनम क्वालिफाई किए, फाउंड प्लेटिनम क्वालिफाई किए, और हमें पैरा ट्रिप मिला मलेशिया का। और उसके बाद तब से लेकर आज तक तकरीबन 30 से 35 देश हम घूम चुके हैं। और मुझे आज भी बात याद आती है जो मेरे को बोलता था कि आपके हाथ में विदेश की रेखा नहीं है, ठीक है ना। ये सीरीज ऑफ डिसीजन होते हैं, ये है जर्नी हमारे बिजनेस में आने की, राइट। तो मैं अब लीना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी का पार्ट शेयर करेंगे कि वो बिजनेस में कैसे हैं। ओवर टू यू लीना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लीना है और मैं और केके मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं अपना पार्ट शेयर करती हूँ कि कैसे हम इस बिजनेस में आए थे। आई बिलोंग टू अ सिंपल एंड हम्बल फैमिली। मेरे डैड एयरफोर्स में थे और आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर, और उसके बाद मेरे डैड की लास्ट पोस्टिंग यहाँ चंडीगढ़ में थी। तो यहीं पर आई मेट केके और हमारी लव मैरिज है, हमारी मैरिज हुई उसके बाद। और जब ये बिजनेस हमें हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ तो वी वर रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ केके स्कूल ऑफ फिजिक्स, और नो डाउट बहुत ज़्यादा रिनाउंड हमारा इंस्टीट्यूट था। और हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे इस बिज़नेस को ना करने के लिए, क्योंकि एट दैट टाइम केके अपना इंस्टीट्यूट खोलते थे मॉर्निंग में 5 बजे,
साढ़े पाँच बजे और क्लास पहली क्लास शुरू होती थी और रात को हम अपना इंस्टीट्यूट क्लोज करते थे रात को 9 बजे। हमारी दो दो ब्रांचेस थी तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों हमें इस बिज़नेस को नहीं करना है। तब हमारी रिसेंटली मैरिज भी हुई थी और जब ये बिज़नेस हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ और मगर मुझे ये बिज़नेस हमारी लाइफ में तो केके के ब्रदर जो बड़े ब्रदर हैं वो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, मिस्टर उमा खान एंड वंदना सिंह चौहान, पोनी के थ्रू हम इस बिज़नेस में आए हैं, वो हमारे स्पॉन्सर हैं इस बिज़नेस में। और इनिशली ही स्टार्टेड दिस बिज़नेस और मगर ये बिज़नेस मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे लगता था कि जो हमारा मी टाइम है, मुझे लगता था जो हमारा सेल्फ का टाइम है वो भी इस बिज़नेस में चला जाएगा। तो मुझे लगता था मुझे और कोई प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में नहीं लेना है। तो हमारी एक और ब्रांच हमें बठिंडा से भी हम सोच रहे थे एक्सपेंशन करने के लिए अपने बिज़नेस को, केके स्कूल ऑफ फिज़िक्स के लिए हमें कोटा से भी कॉल आई थी, बट हम उस मोड में थे कि हम अपने उस ट्रेडिशनल बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करें। तो उसी दौरान ये बिज़नेस भी हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ और मुझे ये बिज़नेस अच्छा लगा था, ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगा था, बट ये बिज़नेस मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। मुझे लगता था जो हमारा पर्सनल टाइम है वो भी इस बिज़नेस में चला जाएगा, क्योंकि मैरिज के बाद कहीं हमें आउटिंग करने भी जाना होता था तो हमें 10 बार सोचना पड़ता था कि हम अपने इंस्टीट्यूट को कैसे बंद करें। 3 दिन की छुट्टी देनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती थी। और मगर जिस ऐसे ही हमने इस बिज़नेस को, मगर केके ने कहा कि मैं अपने ब्रदर को मना नहीं कर सकता तो मैं इस बिज़नेस को स्पॉन्सर करूँगा। तो मैंने कहा था कि ये बिज़नेस मुझे मत करने के लिए बोलना। तो केके ने मैंने फॉर्म पे साइन ज़रूर किया था बट दैट वाज जस्ट एन ऑब्लिगेशन। तो मुझे नहीं था कि मैं इस बिज़नेस को कभी करूँगी, बट हमारी बिज़नेस एक कहते हैं ना बिज़नेस स्पॉन्सरिंग, मुझे लगता है कि हमारी एक ऑब्लिगेशन स्पॉन्सरिंग थी। बट लेटर ऑन केके ने भी मुझे स्पेस पूरी दी, कभी मुझे कंपेल नहीं किया इस बिज़नेस में आने के लिए कि नहीं करना ही करना है। बट आफ्टर 3 मंथ्स जैसे जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, अपलाइंस हैं, सब हमें इनवाइट करते रहते थे कि इस फंक्शन में आओ, इस फंक्शन में आओ। तो केके एक तरह से वर्कहॉलिक थे और संडेज़ को भी इवन ही यूज़ टू कीप हिमसेल्फ बिज़ी और संडे को भी टेस्ट वगैरह रखने। तो बाई चांस का बात है कि एक संडे हमारा फ्री था और मैंने केके को कहा था कि मुझे मूवी देखने जाना है और केके ने कहा कि हमारे सब जितने भी अपलाइंस हैं हमें इनवाइट करती रहती हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो एक बार चलते हैं मीट देखने के, ना क्या बिज़नेस है, चल एक बार होके आते हैं। मगर जब मैंने वहाँ जाके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पहली बार मैंने बिज़नेस की प्लान देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ का बेसिकली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर उस दिन पहली बार आके केके से बिज़नेस का प्लान देखा और मेरे को फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे ये लोग प्लान में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, फैमिली कहते हैं ना एक वर्ल्ड टूर्स हैं, तो मैंने कहा अगर ये सारे रिवॉर्ड्स देखते हैं करके, अगर एक साल का टाइम देते हैं, अगर ये बिज़नेस हमारे लिए काम किया तो हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। तो उस दिन का दिन था, मैंने पहली मैंने केके को होल हार्टेडली सबमिट किया और इस बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी और जो भी बिज़नेस का चार्ज था वो मैंने लेना शुरू किया और जो मेरी कमिटमेंट अपनी ट्रेडिशनल बिज़नेस के लिए थी वही कमिटमेंट मैंने अपनी यहाँ पर भी दी। बट कहते हैं ना एक साल के अंदर बिज़नेस का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया था और बहुत सारे लोग आ गए थे, लोगों ने डिसीजन ले लिए थे, फिर तो नो लुकिंग बैक था, हमने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। और हमारी अपलाइंस में जैसे कुछ ऐसे भी थे कि मिस्टर बेदी थे, वो रिटायर्ड थे उस टाइम और वो बार बार कहते थे कि नहीं इस फंक्शन में आओ, इस फंक्शन में आओ। तो मुझे लगता था यार ये तो रिटायर्ड बंदे हैं, मतलब हमारे पास तो बहुत सारा काम है अभी, मतलब ये हमें नहीं जाना। तो इनिशियली मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं लगती थी इस बिज़नेस को करने के लिए, बट धीरे धीरे मुझे यहाँ का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा लगा और आज इस बिज़नेस को अपने हस्बैंड के साथ, मैं केके के साथ बिल्ड कर रही हूँ और इस बिज़नेस के रिवॉर्ड्स को आज इन्जॉय कर रहे हैं। शायद इस बिज़नेस के थ्रू हम होते पैसा होता, नो डाउट, कहते हैं ना कमा तो हम कहीं भी लेंगे, मगर वो जो एक लाइफ में फुलनेस है ना और फुलफिलमेंट है, वो शायद लाइफ में कहीं इंग्रेडिएंट वो वाला मिसिंग होता। तो आज एक कंप्लीट पैकेज हमें मिला इस बिज़नेस के थ्रू
और इस बिज़नेस ने नो डाउट एक पहचान भी दी है। इस बिज़नेस में आने के बाद ही मेरे दोनों बेटे हुए हैं, मेरे दो बच्चे हैं और एक मेरा बड़ा बेटा मास कम्युनिकेशन परस्यू कर रहा है, छोटा बेटा मेरा प्लस टू में है। और मुझे लगता है कि नाउ आई एम स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद माई किड्स, और शायद मैं इस बिज़नेस में नहीं होती, मैं केके के साथ ऑफिस में ही एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखती थी, तो शायद हम अपना उस ट्रेडिशनल बिज़नेस को एक्सपैंड करते करते मेरी लाइफ में शायद जो ना मेरे को लगता है कि मैं एक फुल टाइम एक मदर नहीं बन पाती, मैं अपने बच्चों के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाती। शायद मैं उनके ऊपर सब कुछ खर्च ज़रूर कर सकती थी, बट मैं एक कहते ना एक खालीपन ज़रूर रहता लाइफ में, बट इस बिज़नेस के थ्रू वो सब चीज़ें मुझे मिली है। ये बिज़नेस मुझे लगता है कंप्लीट पैकेज है और जिसने भी शुरू करना है, और ये बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि किसी भी आम आदमी को ये एक खास आदमी बना देता है। और बस मैं यही कहूँगी कि इस बिज़नेस को देखने का करने का डिसीजन लीजिए, ये बिज़नेस एक कंप्लीट बफे है। सो वो टुकेट थैंक यू वेरी मच। एंड अगर मैं अपने बारे में फर्दर आगे बताऊँ तो जैसे लीना ने बात एंड की, ये बिज़नेस कम्प्लीट बफे है। यू नो बफे कैसा होता है, बफे में क्या आप सारी चीज़ें लेते हैं, मैं भी ले भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप उठाते हैं कुछ चीज़ें नहीं उठाते, जो आपकी मनपसंद की चीज़ें आप उठाते हैं बाकी चीज़ें शायद नहीं उठाते हैं। लेकिन बफे में आपके हाथ में प्लेट होती है और आपके पास एक ऑप्शन होता है व्हाट टू चूज व्हाट नॉट टू चूज, और ये बिज़नेस वाकई एक बफे है। इसमें अगर आप प्लेट उठाएंगे तो दैट प्लेट इज़ योर लाइफ, और उसमें अगर आप कुछ डाल रहे हैं ना, जैसे फ्रीडम डाल रहे हैं, आज समय है हमारे पास, आज पूरा दिन घर में रह सकते हैं, चॉइस है, उसमें सोएं, घूमने जाएं, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, वो चॉइस है। उसके बाद पैसा है, नो डाउट, एटलीस्ट इतना पैसा है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जा सकता है, और उतना पैसा कमाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है रोज़ाना बेसिस पर, राइट। इस बिज़नेस में एक रिकॉग्निशन है, हमने कई चीज़ें उठाई, जो हमें चाहिए थी वो हमने निकाल लिया, जो नहीं चाहिए थी हमने रहने दिया, वो किसी और के लिए था। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है बाकी कामों में, बाकी बिजनेसेस में या बाकी जॉब्स में आपके पास बुफे नहीं होता है, आपके पास एक प्लेट होती है, जैसे एक कैंटीन की मेस नहीं होती, वो आपको एक प्लेट पकड़ा देता है, उस प्लेट में गिने चुने खाने होते हैं और गिने चुनी डिशेज होती हैं जिसको आप चूज़ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में पकड़ा देगा, आपको सैलरी आएगी प्लेट, आपको स्ट्रेस साथ में बोनस में आएगा, आपको कॉम्पिटिशन भी साथ में बोनस में आएगा, आपका समय जो है चला जाएगा, और हो सकता है जितनी अच्छी सैलरी उतना ज़्यादा बिजीनेस हो जाएगा, राइट। ये बिज़नेस मुझे इसलिए अच्छा लगा, और एट द सेम टाइम आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा इसका नहीं कह सकता मैं, और मेरे साथ तो कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ इस बिज़नेस में रियली एक एडवेंचर है। एडवेंचर पता क्या होता है, एक नॉर्मल लाइफ होती है ना जो, वो एडवेंचर नहीं होता उसमें, एक हैपनिंग जो लाइफ होती है ना उसमें एडवेंचर होता है, बिकॉज देयर स्पीड इज़ देयर, थ्रिल इज़ देयर। This business has something to give you at every moment. कहीं ना कहीं राइट मुड़ते लेफ्ट मुड़ते कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो दो साल पहले की, किसको पता था कि पूरे भारतवर्ष में ट्रेन जो कि आज तक कभी बंद नहीं हुई वो बंद हो जाएंगी, किसको पता था पूरे वर्ल्ड में प्लेन जो कि आज तक कभी बंद नहीं हुई वो भी बंद हो जाएंगे, एंड दैट वॉज कॉल्ड कोविड सिचुएशन। किसी को नहीं पता था ये सिचुएशन आगे जाके कैसे रिएक्ट करेगी, कोई अगर आपको बताता कि ये सिचुएशन अगले 1.5-2 साल चलने वाली है तो शायद आप हंस पड़ते, आपको लगता है शायद 1-2 हफ्ते की बात है बाकी सब नॉर्मलाइज हो जाएगा चीज़ें वैसे ही चलेंगी। गाइस वही वो सारी इंडस्ट्री हिल गई। कोई मेरे को बोलता कि आप ट्यूशन को याद करते हो, अच्छा वो नहीं याद करता कि 2015 में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था आज से 7 साल पहले, और अगर मैं पढ़ा रहा होता तो ये 2019 में जो सिचुएशन आई जिसमें सारी की सारी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, बोर्ड टीचिंग से प्रोजेक्टर टीचिंग से सारी की सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, वो ऑनलाइन मटेरियल मेरे लिए नहीं था, मेरे पास नहीं था, मैं अभी भी ट्रेडिशनल चल रहा था, बड़े बड़े दिग्गज जो थे यहाँ के वो ख़त्म हो गए इस बिजनेस में, जिनके पास 300-300 स्टूडेंट्स थे जीरो पर आ गए वो, और देखते देखते सब कुछ चेंज हो गया, स्कूल की बिल्डिंग खाली हो गई, सब कुछ ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गया, कितने खर्चे थे खर्चे कैरी ऑन में, लेकिन थैंक गॉड हम लोग डिजिटलाइजेशन में पिछले 5 साल पहले ही आ चुके थे, लेकिन लोग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि नेट की स्पीड नहीं थी, और 2020 के बाद कम्प्लीटली बिज़नेस जो है डिजिटल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। आज दिस बिज़नेस कुछ फिज़िकल है तो कुछ डिजिटल है, और इसने हमें वो चीज़ सिखा दी जो 2028-29 तक पहुँचना था डिजिटलाइजेशन को, वो जल्दी आ गया। सेकेंड चीज़,
पहले हम सोचते थे कि बिजनेस सिर्फ कपल बिजनेस है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पता है क्यों? हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग अलग बटी हुई है। लेडी का अलग रोल है, जेंट्स का अलग रोल है। मैंने इस बिज़नेस में देखा जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर प्रोफाइल पर हैं, उन लेडीज़ ने अपने नाम को बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को फॉलो किया, अकेले अपने दम पे बिज़नेस को बिल्ड किया। एंड दिस बिज़नेस प्रोवाइडिंग 65% लेडीज़ जो है ना इसमें हैं, जो एक्टिवली बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपना नाम बनाया, अपने दम पे वो अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाती हैं वर्ल्ड ओवर, यू नो। तीसरी चीज़ जो बात करती हैं जेन वाई, यंगर जनरेशन। कभी सोचा ही नहीं था यार कि हमने जब बिज़नेस शुरू किया था हम भी तो जेन वाई ही थे, वी वर जस्ट 27। लेकिन जब हमारा बिज़नेस, मेरे को अच्छी तरह याद है कि एमवे की 60th एनिवर्सरी लास वेगास में बनी थी। 60th एनिवर्सरी जब लास वेगास में बनी थी 2015 में हमने कुछ डिसीजन लिया अपने लिए। 2015 में मेरी एज ऑलरेडी 40 साल हो चुकी थी, 40 ईयर्स प्लस हो चुका था मैं। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि यार हमारे लीडर्स की एज क्या है। जो लीडर्स 27 साल की उम्र में हमारे साथ आए थे वो भी 40 के हो चुके थे, और हम ये सोच रहे थे कि हमारे इस बिज़नेस के युवराज कौन होंगे, कौन है जिनको हम आगे हैंडओवर करेंगे बिज़नेस करने के लिए। तो उस टाइम दिमाग में एक थॉट आया, लेट्स ब्रिंग यंगर ब्लड इन द बिज़नेस, लेट्स ब्रिंग सेकेंड जनरेशन इन द बिज़नेस। और वहाँ से हमने काम करना शुरू किया जेन वाइज के साथ। और यंगस्टर्स के आने के बाद ना हमारी खुद की लर्निंग बहुत अच्छी हो गई। व्हेन एमवे अनाउंस अबाउट द A60, वी वर सो एक्साइटेड, क्योंकि A50 में हम नहीं जा पाया था। A60 पता कहाँ था? लास वेगास। और लास वेगास में कहाँ स्टे होने वाला है? MGM ग्रैंड में। और इट वॉज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे को अच्छी तरह याद है US के वीज़ा के लिए लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, लेकिन अगेन 10 साल के वीज़ा लग गए साथ के साथ ही। और हमने डिसाइड किया कि नहीं, एमवे की 60th एनिवर्सरी का हम पार्ट बनेंगे। और वहाँ से शुरुआत ही हमने अपने बिजनेस को यंगस्टर्स की तरफ मोड़ने की शुरुआत की। हमने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी टीम में कितने प्लैटिनम जाएंगे, कितने फाउंडर प्लैटिनम जाएंगे। पूरा ध्यान उस तरफ जाना शुरू हो गया। एंड स्पेशली वन मोर थिंग वॉज देयर, अब यंगर जनरेशन आ रही है तो क्या बिजनेस यंगर जनरेशन के लिए इस टाइम है? और एमवे ने भी ये चीज़ देखी, और बहुत सारी जो लॉन्चेज आई हैं ना, जैसे गमीज आया, ये सब आया, वो सब यंगर जनरेशन को देखते हुए आया, ठीक है ना। कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ आपको, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक चेंजेस, एक होता है डायनेमिक चेंजेस। डायनेमिक चेंजेस मूवमेंट में दिखते हैं, होते हुए दिखते हैं, इसीलिए लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टैटिक चेंजेस जानते क्या होते हैं? स्टैटिक चेंजेस आर सो स्लो कि पता ही नहीं चलता वो चेंज कब हो गया। क्या आपने अपने बेटे की हाइट को बढ़ते हुए देखा? क्या आपने घर में दूध से दही बनते हुए देखा हुआ है? बनता तो है ना, रात को रखो सुबह दही बन जाता है, लेकिन ध्यान से देखो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज दैट चेंज इज सो स्लो कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस बिज़नेस में भी सेम वही चीज़ है कि जब आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपके अंदर कुछ स्टैटिक चेंजेस आते हैं। स्टैटिक चेंजेस, आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आप लोगों से बात करते हैं, आपका जो एक्सपोजर होता है वो इतना बढ़िया हो जाता है कि आप कई इंटरव्यूज तक क्रैक कर लेते हैं, बिकॉज अब आपको डर लगना बंद हो जाता है, आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जाता है। अरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसी हो जाती है जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं कई बार तो, ठीक है। और वही सेम हमारे साथ हुआ, हमारे बिजनेस में लोग आए, सिंगल गर्ल्स भी नहीं, और उन्होंने चार्ज लिए, और आज एक बड़ी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बिल्डअप कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या मिला बिफोर एंड आफ्टर की, अगर मैं वाकई के स्कूल ऑफ फिजिक्स में अभी भी होता तो आपको क्या लगता है, जो हम बताते हैं 16-16 घंटे हम पढ़ाते थे, क्या वो 16-16 घंटे आज इस एज पे मैं पढ़ा पाता? राइट, सोचने वाली बात है ये। कहते हैं कि व्हेन यू आर यंगर वर्क हार्ड सो दैट यू कैन रेस्ट लेटर ऑन, बट एट दिस एज मे बी पॉसिबल नहीं था 16 घंटे काम करना। दूसरा, क्या ये नाम हमेशा बना रहता है? कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार थे किसी टाइम के, आप जानते हैं क्या उनको? आप जानते हैं उस भारत भूषण को जिसने इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया था किसी टाइम? आप जानते हैं उनको? आने वाले टाइम में लोग शाहरुख खान, रणवीर सिंह किसी को नहीं जानेंगे। पता है क्यों? क्योंकि समय पानी की तरह होता है, टिकता नहीं है वो कभी भी। आज आपका नाम है लोग जानेंगे, आज MS धोनी को जान रहे हैं लेकिन अब भूल जाएंगे धीरे धीरे, कल विराट कोहली को भूल जाएंगे, परसों रोहित शर्मा को भूल जाएंगे। उसी तरीके से जब इनके नाम नहीं याद रहे किसी को तो KK स्कूल ऑफ फिजिक्स क्या चीज़ है? दैट्स वेरी सिंपल, ये चीज़ हमें समझ में आई थी। और वही रहा कि अगर मैं KK स्कूल ऑफ फिजिक्स अभी भी कर रहा होता तो शायद होता है छोटे बैचेस पढ़ा रहा होता, और जिस बंदे ने 100-100 के बैचेस पढ़ाए हों वो 10 के बैचेस नहीं पढ़ा सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सोचने वाली बात है ये। और उसके बाद क्यों मेरे को ये याद नहीं आता? क्योंकि KK स्कूल ऑफ फिजिक्स को रन करने के लिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए थी, सिलेबस चेंज होता रहता है,
हैमवे बिजनेस में एक ही सिलेबस है, पता क्या, शोइंग द अपॉर्चुनिटी एंड शेयरिंग द प्रोडक्ट। दो छोटे छोटे काम है जो हम कर रहे हैं रोज़ाना बेसिस पे। यहाँ पर आपको क्राउन जाना है तो भी यही सिलेबस है, 3% जाना तो भी ये सिलेबस है। और अगर KK स्कूल ऑफ बिजनेस कर रहा होता, क्या वो सेहत जो आज मेरी है या हमारी है, क्या वो मेंटेन रहती उतनी? ऑफ कोर्स नॉट। माय कंडीशन वाज इन 2002, यू नो क्या था, 2002 में जब मैं बिजनेस में आया तो उस टाइम मेरा जो लिवर था वो डैमेज हो चुका था, मैं 6 महीने बॉइल्ड फूड कर रहा हूँ और मेरे को माइग्रेन था 12 साल से, और इतना मतलब मेरे को था कि पाइल्स हो चुका था, बुरा हालत था, बॉडी वॉज ब्रोकन, यू नो वाई, एट द एज ऑफ 27-28 ये सब था मेरे को। लोअर साइड BP 50-55 रहने लग गया था क्योंकि एक्सरसाइज भी काम कर रहे थे। आज 20 साल बाद आई थिंक मैं डेली बेसिस पे 5-7 किलोमीटर जॉगिंग कर लेता हूँ, डेली बेसिस पे मैं अपना सेहत का ध्यान रख लेता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, राइट। आज आई फील मोर फिटर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट वी आर अर्निंग। इसके बाद अगर हम देखें आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, संभावनाएं क्या हैं, आपको पता है एक चीज़ होती है होप। अगर ये होप निकाल ली जाए ना किसी में से तो ज़िंदगी नीरस हो जाती है। क्यों बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों बोलते थे बच्चों को +1+2 में टिका के मेहनत कर लो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, वो होप होती थी, बच्चे टिका के मेहनत करते थे कि IIT में एडमिशन हो जाएगा उनका। उसी तरीके से इस बिज़नेस में अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 5 साल इस बिज़नेस को टिका के लगा दो, आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो मैं गलत नहीं हूँगा इसमें। क्योंकि 2021 से लेकर 2030 ये जो डिकेड चल रहा है ना, दिस इज़ द डिकेड ऑफ स्टार्टअप्स। ये वो डिकेड है जिसको वर्ल्ड ओवर ने एक्सेप्ट किया कि स्टार्टअप का एरा आजकल, और ये जो स्टार्टअप का एरा आया ना, इसमें एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे, इसमें जॉब क्रिएशन के पीछे लोग नहीं भागेंगे, जॉब करने के लिए नहीं भागेंगे, वो अपना कुछ क्रिएट करने के लिए भागेंगे। क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है लोगों को, पीपल डोंट वॉन्ट ओनली मनी, दे वॉन्ट अ कम्प्लीट पैकेज। उनको ट्रैकिंग भी करनी है, उनको साइकिलिंग भी करनी है, उनको घर में समय भी देना है, उनको बाई चॉइस काम करना है, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गिग इकॉनमी। और आज ये गिगर कितने घंटे काम करना पसंद करते हैं आप जानते हैं? ये हफ्ते के 100 घंटे काम करना पसंद नहीं करते हैं, उनको वैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, वो हफ्ते में 40-50 घंटे बाई चॉइस काम करना चाहते हैं। अब तो आगे जाके मतलब कुछ गवर्नमेंट्स भी ऐसा कर रही हैं कि आप इतने घंटे ही काम करें, जैसे अब्रॉड में कल्चर है, पर आर वैसे ही एमवे बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 20-30 घंटे हफ्ते के, कैन यू कैन क्रिएट समथिंग बेटर फॉर यू। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग अप लाइक एनीथिंग, क्यों? इट इज़ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ट्रूली वर्क फ्रॉम होम। घर बैठे पैसा नहीं आएगा, लेकिन घर से बैठ के जरूर पैसा आ जाएगा, घर से काम करके पैसा आ जाएगा। आपके पास चाहिए एक फ़ोन या लैपटॉप, अच्छा एक नेट कनेक्शन, और एक ड्रीम डिज़ायर आगे बढ़ने के लिए एक जज्बा चाहिए। अगर आपको पता है सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जा सकता है अपने लिए, अगर आप सोशल मीडिया का प्रोडक्ट ना बनना पसंद करें, आप सोशल मीडिया को प्रोडक्ट की तरह यूज़ करना पसंद करें, तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। हमने इस बिज़नेस में न्यूट्रलाइट को अपने ऊपर आजमाया है, वेट मैनेजमेंट की हमने कम्युनिटीज़ बनाई हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो है हमारे लिए काम कर रही हैं। अभी 2 दिनों पहले वर्ल्ड हेल्थ डे था। दो हेल्थ की बात होती है पता आपको, एक होती है मेंटल हेल्थ की बात होती है, एक फिज़िकल हेल्थ की बात होती है, और हमारे पास दोनों हेल्थ के सोल्यूशन हैं। फिजिकल हेल्थ कैन बी वेरी वेल इम्प्रूव बाय न्यूट्रलाइट, बाय द आवर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स के थ्रू। लेकिन मेंटल हेल्थ कैन बी इम्प्रूव बाय आवर एसोसिएशन, जो ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो हमारे बिजनेस कोचेस प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको कब ये नहीं कहूँगा कि यू जस्ट कम एंड इट विल बी अ पीस ऑफ केक। कोई भी चीज़ पता, पीस ऑफ केक नहीं होता कभी भी। अगर कोई चीज़ वर्थ वाइल है, वो पीस ऑफ केक हो ही नहीं सकता। आपकी बातों में दम कब आएगा? जब आपने कुछ किया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस को और आसान कर दिया जाए। रिमेंबर, जो बहुत आसान चीज़ होती है ना, करने लायक नहीं होती कभी भी। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ज़िंदगी उनकी आसान हो जाए? आसान ज़िंदगी जो होती है ना, वो बेहतर कभी नहीं होती। बेहतरी के लिए कुछ करना पड़ता है। आज अगर आपको अपने मसल बिल्ड करने हैं तो आसानी से हो जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आपको पता है ये जो स्टोरीज़ होती हैं, जो हम बचपन में पढ़ाई जाती हैं, उसका पर्पस क्या होता है? वो स्टोरीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैल्यू एडिशन के लिए होती हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, जब तक आप वैल्यू दे रहे हैं ना, तो लोग आपको सबमिट भी करेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, क्योंकि वो पता है आप क्या वैल्यू दे रहे हैं उनको। मैं ऐसी कुछ बचपन की स्टोरी सुना बात करना चाहूँगा।
आपने पता ना उसके नीचे मोरल ऑफ स्टोरी आता था, एक मोरल ऑफ स्टोरी एक आता था यूनिटी के ऊपर, अगर आपको याद हो, कि एक किसान था, उसने एक लकड़ी अपने सभी बच्चों को दी, उन्होंने तोड़ दी, फिर बाद में उन्होंने इकट्ठा करके लकड़ी को दिया, वो तोड़ नहीं पाए, तो उसका हिंदी में मोरल ऑफ स्टोरी क्या आता था, एकता में बल है, देयर इज़ अ पावर इन यूनिटी। लेकिन आपको पता है ये बात हमारे बिजनेस में कितना अप्लाई होती है, लाइफ में कितना अप्लाई होती है। लोग बोलते हैं बिजनेस किसका बढ़ेगा, बिजनेस पता है उसका बढ़ेगा जिनकी टीम यूनाइटेड है। टीम कितनी बड़ी है ये डिपेंड नहीं कर रहा, सेना कितनी बड़ी है ये डिपेंड नहीं कर रहा है, क्राउड है वो तो, लेकिन अगर वो यूनाइटेड है ना, देन यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन दिस टीम। और वो यूनिटी कहीं ना कहीं आनी चाहिए आपकी हर तरफ से एक साथ। आपने कई स्टोरी ऐसी सुनी होगी जिसमें आपने वो किंग ब्रूस की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें किंग ब्रूस हार जाता है, ये 13वीं शताब्दी की स्टोरी है, और उसमें वो जब हार के एक गुफा में बैठा होता है, वहाँ पे जो स्पाइडर होती है वो बार बार कीड़ी चढ़ रही होती है और गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, तो क्या होता है अचानक ही उसमें वो देखता है यार ये कीड़ी बार 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 गिरने के बाद फिर चढ़ गई है अपने मुकाम पे, मैं तो साक्षात इंसान हूँ, तो मैं एक हार को अपनी फाइनल हार क्यों मान लूँ, दो हार को अपनी फाइनल हार क्यों मान लूँ। तो उसने अपनी सेना को दोबारा से इकट्ठा किया और उसके बाद अटैक किया और जीत गया। यही महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, यही शिवाजी के साथ हुआ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है, जब हम ज़िंदगी में एक या दो या तीन हार झेल लेते हैं, तो उसको फाइनल क्यों मान लेते हैं। उसका इंग्लिश में पता क्या था, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई अगेन, वाई ट्राई ट्राई अगेन, द सेम थिंग इन लाइफ। हो सकता है ज़िंदगी में सभी सर्कमस्टेंस आपके एक जैसे ना, और हमारे भी नहीं रहे। अगर आप सभी डायमंड को सुन रहे हैं तो उनकी लाइफ एक जैसी नहीं रही, और ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन दोबारा से उन्होंने कोशिश की। कई कहानियाँ हम सुनते हैं, आपने एक सुना होगा, एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प्स दोस, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन मैं एक आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप भगवान के भरोसे क्यों बैठे होते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो काम कर रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करेगा। अरे भगवान कभी भी तब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। गॉड विल नेवर कम फॉर यू फॉर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी पोजेस व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैड। जितने रिसोर्सेज हैं अगर आप एग्जॉस्ट कर लोगे ना, उसके बाद गॉड की जो स्टेपिंग होती है। बहुत कई कहानियाँ मुझे तो उन कहानियों से ना याद आता है कई चीज़ें। एक कहानी, थ्री फीट फ्रॉम गोल्ड, यू नो व्हाट इज थ्री फीट फ्रॉम गोल्ड। एक बंदा शुरुआत करता है, उसको लगता है कि सोने की खोज की फोड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने सोना खोजने की कोशिश की उन दिनों। तो एक बंदे ने पूरा रिसर्च वर्क किया, उसको एक जगह लगा कि यहाँ पे सोना हो सकता है, उसने वो जगह खरीद ली, सब कुछ बेच के वो जगह खरीद ली, इक्विपमेंट्स लिए, खुदाई शुरू की। लोगों ने बोला पागल हो गया, यहाँ थोड़ा सोना मिलेगा, लेकिन खुदाई उसने शुरू की। खुदाई करते 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 कई दिन बीत गए और काफ़ी खोद डाला, अब तो लोग उसको पागल समझने लग गए थे। और उसके अंदर भी एक डाउट आ गया, पता क्या डाउट, वो ये सोच रहा था यार मैंने सही काम किया क्या, मैंने गलती तो नहीं की, सब कुछ बेचने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। और उसके अंदर जो डाउट पैदा हुआ, उसने उस ज़मीन को बेचा, सब इक्विपमेंट्स को बेचा और वो चला गया। और मज़े की बात ये है कि उसकी ज़मीन को जिसने ख़रीदा था उसको था कि यहाँ सोना हो सकता है, उसने खुदाई शुरू कराई। और मज़े की बात ये है कि जब उसने खोदा तो 3 फीट के बाद, जस्ट 3 फीट खुदाई के बाद सोने की खान मिल गई उसने। अब क्वेश्चन ये है, ज़िंदगी में एमबे में भी कई जगह ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, शुरुआत करते हैं अपने नोबल प्रोफेशन के साथ, आप उसका टीचर हो, हो सकता है इंजीनियर हो, हो सकता है डॉक्टर हो, सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है फिल्म एक्टर हो, कुछ भी हो, आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, साथ में ये भी शुरू कर लिए। और लोग आपको इस चीज़ के लिए बोलते हैं पता नहीं क्यों कर रहा है ये काम, हमें भी लोगों ने बोला, कईयों ने तो ये तक बोल दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहने का मतलब इतना अच्छा वाला काम चल रहा है इसका, ये डिसीजन इसका गलत हो गया, राइट। लेकिन हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे, लोग भी लगे रहते हैं, और कई लोग लगे रहते हैं कई साल लगे रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं जस्ट 3 फीट अवे, 3 फुट पहले। सक्सेस उनकी पड़ी होती है, वो सक्सेसफुल होने वाले होते हैं, छोड़ जाते हैं। गाइस अगर ना छोड़ा होता ना, मैं फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ, 3 फीट के बाद आपकी सक्सेस पड़ी थी, ठीक है ना। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, हमने नहीं छोड़ा 3 फीट तक। गेट रेडी फॉर यू बिकॉज बहुत बड़ी सक्सेस आपकी वेट करने वाली है, एकदम नहीं आएगी, रुक रुक के भी नहीं आएगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए रखा होगा।
मैं और लीना अपनी टॉक के माध्यम से आपको ये बताना चाहते थे। आई होप आपको हमारी स्टोरी इंस्पायर की होगी। टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।